महाराष्ट्र के लिए शनिवार का दिन बड़ी ही दुखद समाचार ले आया। नागपुर से पुणे के लिए गई विदर्भ ट्रैवल्स की बस का बुलढाणा में भीषण अपघात हुआ, जिसमें 25 लोगों की जलकर मौत हो गई तो अन्य घायल है। यह हादसा इतना भयानक था कि अपघात होते ही बस को आग लग गई। जिसने भी देखा वह अंदर से हिल गया, कोई उल्टियां करने लगा तो घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। दरअसल बस के अंदर से जली लाशें जब बाहर निकाली गई और हाईवे पर एक लाइन से रखी गई तो दृश्य बड़ा ही भयानक था। कुछ आधी जली थी तो कोई पूरी तरह से जल गई थी, किसी बॉडी पर केवल राख थी तो किसी का केवल कंकाल दिख रहा था। कुल मिलाकर ये पहचान में नहीं आ रहा था कि ये 25 लाशें किसकी है। अब DNA से इनकी पहचान की जाएगी। नागपुर से पुणे जाते समय बस समृद्धि महामार्ग से जाते समय बस का टायर फट गया, जिस कारण बस ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल छूटा और बस लोहे के खंभे पर टकरा गई। इस टक्कर से बस के पेट्रोल की टंकी लीकेज हुई और बस में आग लग गई। कुछ यात्रियों ने बस के कांच फोड़कर अपनी जान बचाई, मगर 25 यात्रियों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि नागपुर शहर के आशीर्वाद टॉकीज के पास स्टार लाइफ ट्रेवल्स के पास विदर्भ ट्रेवल्स की एजेंसी है। यहां से ही यह बस पुणे के लिए निकली थी। इस बस में शहर के आयुष गाड़गे, कौस्तुभ काले, कैलाश गंगाओं ने, ईशांत गुप्ता, गुड़िया शेख और योगेश गवई, ये 7 यात्री सवार थे। इस संबंध में जब हमारी टीम ने यातायात विभाग के अधिकारी राहुल वंजारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच चल रही है। फक्त माझ्याकडे सध्या तात्पुरती एवढी माहिती आहे, बस नागपूरवरनं सुटलेली होती एवढी सध्या माहिती आहे। ऑफिस बंद असल्यामुळे सध्या दुसऱ्या ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करणं चालू आहे। सध्या काही माहिती सर, वरिष्ठ अधिकारी कधी येणार आहे? वरिष्ठ इतका वेळ झाला, वरिष्ठ अधिकारी अजूनही फील्डवर नाही। सध्या चौकशीचं काम चालू आहे। फोटो घरून चौकशी करताय अधिकारी? सर तुम्ही या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी कधी होती? ती बस महत्त्वाचं आहे की फिटनेस, त्या गाडीचा फिटनेस होतं की नाही, फिटनेस प्रमाणपत्र होतं की नाही तपासणी केली की कुणाची जबाबदारी आहे? RTOचे वरिष्ठ अधिकारी काय करताय? सर एक प्रश्न फक्त महत्त्वाचा, ट्रॅव्हल्स एजन्सीने जी यादी दिली त्यामध्ये फक्त मोबाईल क्रमांकच आहे, नावं नाही आहे किंवा ॲड्रेस नाही आहे सगळे, तर याबद्दल काय माहिती आहे? सध्या माझ्याकडे काहीच माहिती नाही, मला माहिती घेऊ द्या, मग वाटलं माझ्या वरिष्ठ माहिती देते। एजन्सी काय बोलणं झालं आहे का? एजन्सी काय संपर्क झाला आहे? माझ्या सध्या काही नाही बोललेलं, माझ्याकडे सध्या काहीच माहिती नाही आहे। इस भीषण हादसे के बाद अब जनता के आपत्ति विभाग ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिला नियंत्रण कक्ष 07122562668 और अंकुश गावंडे 8860018817 इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। या अच्छा झालेल्या दुर्घटनेमध्ये जवळपास 25 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 8 लोक जखमी झाले आहेत। त्यामध्ये नागपूरचे 7 ते 10 व्यक्ती असल्याची त्यामध्ये शंका व्यक्त करण्यात येत आहे। आमच्याकडे त्यांचे डिटेल्स थोडे आलेले आहेत, आम्ही त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि याकरिता माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नियंत्रण कक्ष ओपन केलेला आहे आणि त्यासाठी त्यांचा संपर्क क्रमांक नियंत्रण कक्षाचा आहे 07122562668 आणि माझा मोबाईल नंबर सुद्धा आहे याकरिता 8860018817। मी मोबाईल नंबर रिपीट करतो आहे 8860018817। तर या मोबाईल क्रमांकांवर जे नातेवाईक असतील या ट्रॅव्हल्समध्ये, आपले जे कोणी हितचिंतक किंवा आपले घरचे कोणी ट्रॅव्हल करत असताना दुर्घटनेत सापडलेले असतील तर त्यांच्या माहितीकरता आपण या नंबरवर संपर्क साधा, अशी आवाहन माननीय जिल्हाधिकारी मार्फत जिल्हाधिकारी महोदय डॉक्टर विपिन सरांनी ऑलरेडी केलेलं आहे। तर मी पण विनंती करतो की आपला कोणी मित्र असेल किंवा रिलेटिव्ह असेल तर या क्रमांकावर आपण संपर्क साधावा। धन्यवाद। इस अपघात के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने शोक जताया है। साथ ही इस हादसे में जिनकी जीवित हानि हुई है उनके परिवार के लिए केंद्र और राज्य की ओर से मदद जारी की है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हादसा स्थल जाकर हादसे की जांच करने वाले हैं। बीती रात समृद्धि हाईवे में सिंधखेड़ा के करीबन 1:15 के करीब एक दुर्दैवी घटना सामने आई है। विदर्भ ट्रैवल्स की बस जो नागपुर से पुणे के लिए जा रही थी, वो तकरीबन 1:30 के करीब उसका टायर फटने से आग लगने से 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में एक तनाव का वातावरण निर्माण हो चुका है, एक डर का वातावरण निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया है, बहुत शोक व्यक्त किया है। 25 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको 5 लाख रुपये सहायता निधि देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। आपको मैं बता दूँ कि इस विदर्भ ट्रैवल्स ऑफिस में कल शाम तकरीबन 5 से 6 बजे प्राथमिक सूचना मिली है कि यहाँ से 6-7 यात्री सवार हुए थे। विदर्भ ट्रैवल्स जो बैद्यनाथ स्क्वेयर से यहाँ से बस निकलती है, यहाँ से शुरुआत हुई थी और ये पैसेंजर भरते भरते छत्रपति चौक और वर्धा और यवतमाल में भी काफ़ी पैसेंजर इसके वहाँ से बैठे थे। तकरीबन 25 यात्रियों की अभी मौत हो चुकी है, ये प्राथमिक सूचना पर बताया गया था, और 8 यात्री जो है जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों ने ही इस दुर्घटना पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री के तरफ से इस दुर्घटना में मृत्यु पाए गए लोगों को लिए 5 लाख का फंड घोषित किया गया है, और 8 जख्मियों के बारे में उन्होंने बताते हुए क्या कि 8 जख्मी अब से जो जख्मी हुए थे वो अब ठीक है और आगे आने वाले समय में उनका इलाज पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेंगी। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ इमरान शेख, BCN न्यूज़ नागपुर। इस हादसे से एक बात उजागर होती है कि जो भी ट्रेवल्स कंपनी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वे उनका पता नहीं लेती, क्योंकि इस हादसे में जो लोग नागपुर से सवार हुए थे उनका पता भी ट्रेवल्स कंपनी के पास नहीं है। उनके पास इन यात्रियों के मोबाइल नंबर ही है और वो भी शायद इस आग में जल गए होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।